एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एनवाईबी काजल वर्सेस मेबेलिन कोलोसल काजल। दिस इज अ वेरी फेमस काजल एंड ये भी काफी फेमस हो चुका है और मैं इसे आई थिंक बहुत सारे सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। जब पर्पल ऐप लॉन्च हुआ था तभी से मैं इस काजल को इस्तेमाल कर रही हूँ, बट दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट काजल। सो मैं सोच रही थी कि इन दोनों में कंपैरिजन वीडियो करती हूँ ताकि आप सबको हेल्प हो, यू नो, टू बेटर चूज बिटवीन देम कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बाय द वे, ये एक शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू वीडियो है जहां पर मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही कंपेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग फर्स्ट। ये काफी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू दिस काजल, बट ये भी आपको कभी कभार डिस्काउंट में इसी प्राइस रेंज में मिल सकती है, बट दिस इज अ बिट एक्सपेंसिव देन दिस काजल। ये आपको कभी कभार 100 रुपीज के अंदर भी पर्पल ऐप पे मिल जाएगी, और अगर आप Amazon से परचेज करना चाहते हैं तो दोनों का प्राइस 19-20 है। ये थोड़ा सा लो प्राइस में हमेशा आपको मिलेगी। सो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली एक गो टू काजल है क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल है। ये है एनवाईबी द बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल, और इसका जो पिगमेंटेशन है दैट इज जेट ब्लैक पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन में मैं दोनों को ही 10/10 मार्क्स देना चाहती हूँ क्योंकि दोनों का ही पिगमेंटेशन ऑन पॉइंट है एंड दोनों ही काजल काफी ज्यादा अच्छे से पिगमेंटेड है। इंटेंस ब्लैक इन दोनों का ही कलर है। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। यू ऑल कैन से दिस कम्स इन अ ब्लैक कलर एंड दिस कम्स इन अ येलो कलर पैकेजिंग, बट दोनों ही इस तरीके के रोल ऑन काइंड ऑफ फॉर्म में आता है तो ये काफी कन्वीनियंट रहता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसमें प्रोडक्ट काफी कम रहता है और दोनों की ही प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑल्सो सेम ही है। अब बात करते हैं स्मज प्रूफ कितना ज्यादा है। तो मेबेलिन कोलोसल ज्यादा स्मज प्रूफ है क्योंकि ये 3-4 घंटे तक आपके आई मेकअप को वैसा ही रखेगा, बट अगर आप रगड़ोगे अपने आई को तो डेफिनेटली स्मज तो होगा ही, बट ये ना बहुत ही ज्यादा क्रीमी है इसका टेक्सचर और काफी सॉफ्ट है, तो ये 2-3 घंटे तक रखता है। मतलब 19-20 फर्क है, बट अगर स्मज प्रूफ टेस्ट की बात करो तो दिस वन विंस। ऑल्सो प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज क्योंकि यहाँ पर अभी आज विजया दशमी है तो अभी जो विसर्जन होता है ना वो अभी चल रहा है तो पीछे तो बहुत ज्यादा शोर है, सो काइंडली प्लीज इग्नोर दैट। अब बात करते हैं स्मोकी आई लुक्स की। तो आई वुड डेफिनेटली रेट दिस वन अ बिग 10/10 क्योंकि ये स्मोकी आई लुक्स क्रिएट करने में एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये ना थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ है तो ये ना इजिली स्मज हो जाएगा और इजिली आप स्मोकी आई लुक्स क्रिएट कर पाओगे, बट ये थोड़ा सा, मैंने कहा ये थोड़ा सा स्मज प्रूफ है एंड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क विद दिस काजल अगर आप स्मोकी आई लुक्स क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि ये इजिली स्मज नहीं होता। ये जब आप अप्लाई करोगे ना तो वो स्टिक हो जाता है उसी एरिया पर और रगड़ना पड़ता है बहुत ही हार्श तरीके से। तो आई थिंक फॉर स्मोकी आई लुक्स आई विल डेफिनेटली रेट दिस वन 10/10। सो नाउ कम्स द कंक्लूजन पार्ट, मैं कौन सा काजल प्रेफर करूंगी। तो फॉर एवरीडे बेसिस एंड फॉर माय प्रेफरेंस मैं हमेशा इसी को ही प्रेफर करूंगी क्योंकि मैं ज्यादातर स्मोकी आई लुक्स क्रिएट करना पसंद करती हूँ। मुझे अगर मैं काजल भी वेयर करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा स्मज्ड लुक ही पसंद है, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है और ये ना थोड़ा सा आपको क्लीन लुक देता है। तो अगर आप क्लीन काजल लुक्स पसंद करते हैं, स्मज्ड लुक्स आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप इसे वेयर कर सकते हैं और ये ना ज्यादा देर तक स्मज प्रूफ नहीं है। तो मैं एक हैक शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप काजल को स्मज कर लीजिए उसके ऊपर ब्लैक कलर का ही आई शेडो अप्लाई कर लीजिए तो ये लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, ये भी स्मज प्रूफ रहता है 4-5 घंटों तक। सो मेरे मानो तो मैं तो हमेशा ही एनवाईबी द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल स्टिक को ही प्रेफर करूंगी। एक तो प्राइस में भी काफी अफोर्डेबल है, एट द सेम टाइम मेरे लिए ये काफी यूजफुल भी है बिकॉज स्मज्ड लुक्स में इससे इजिली क्रिएट कर सकती हूँ, बट अगर आप क्लीन लुक्स पसंद करते हैं और अगर प्राइसिंग की उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है प्राइस में, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। हालांकि दोनों ही काजल सेफ टू यूज है, दोनों में ही मेरे आईज पर तो कुछ भी इरिटेशन की प्रॉब्लम में नहीं फेस करती। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है टू बेटर नो दैट विच वन इज गुड फॉर यू, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इन दोनों की ही परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, बाय।